अस्सलाम वालेकुम। आज हम चुगर बनाएंगे, समर स्पेशल। चलिए बनाते हैं। मैंने चुगर को अच्छे से वॉश कर रखा है। अब हम इसे थोड़ा सा गला लेंगे। एक कप पानी डालें, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, पिंक सॉल्ट है ये। हमारा चुगर अच्छे से गलकर तैयार हो गया है। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। देखिए चुगर गल गया है, हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मैं यहाँ 100 ग्राम बादाम ले रही हूँ। हम थोड़ा अलग से बनाएंगे चुगर को, और जो चुगर नहीं भी खाते हैं वो भी शौक से खाएंगे। आप ज़रूर इस तरह से बनाइए। ऑयल डालूंगी मैं 2 कप, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ पर 1/2 kg अनियन फाइनली चॉप कर डाला है। वन टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है मैंने यहाँ पे। भुनेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेस्पून चिल्ली पाउडर डाला है, और 1 टेस्पून सॉल्ट। और मैंने यहाँ पर 1/2 kg मटन का यूज़ किया है। मटन थोड़ा सा फैट वाला यूज़ करें आप, चुगर बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। अच्छे से भूनेंगे। 1 कप पानी डालकर हम कुकर का लेड लगा देंगे 5 से 6 सीटी आने तक। अच्छे से गला लेंगे। मटन अच्छे से गल चुका है, पानी भी सूख चुका है। थोड़ा सा भूनेंगे हम। ऑयल सेपरेट होने तक भूनना है। और मैंने बादाम का पेस्ट बना लिया था, उसको भी डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। चुगर जो गला कर मैंने रखा था उसको मैंने थोड़ा सा फाइनली चॉप किया है ग्राइंडर में, ज़्यादा चॉप नहीं करना है। अब हम हमारी ग्रेवी इसमें डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे।
बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ आया था ये। आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, और हरा धनिया और हरी मिर्ची डाला है यहाँ पे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। ऑयल सेपरेट होने तक हम दम पे रखेंगे। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था ये। आप भी ज़रूर बनाएं, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।